एक्सप्लोरर 1 अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसे अमेरिका ने 1 फरवरी 1958 को एक मिलिट्री सैटेलाइट के रूप में जूनो 1 RS-29 रॉकेट से लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट का लॉन्च मास लगभग 14 kg का था, जो कि सोवियत यूनियन की स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के वजन से आधे से भी कम था। पर ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। वहीं अमेरिका के एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को धरती से 30,000 किलोमीटर ऊपर जियोसेंट्रिक ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक्सप्लोरर 1 60 वाट के एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था, वहीं स्पुतनिक 1 सिर्फ 1 वाट के एनर्जी को ही प्रोड्यूस कर रहा था, जिस वजह से इन दोनों के मिशन ड्यूरेशन में भी काफी अंतर है। जहाँ स्पुतनिक 1 धरती को 22 दिनों तक चक्कर लगाया, वहीं एक्सप्लोरर 1 धरती को 111 दिनों तक चक्कर लगाया।